हेलो दोस्तों, एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एक समाचार। धन्यवाद। खेल जगत के सितारे अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एवं जिला खेल अधिकारी डूंगरपुर श्री जयंती लाल जी ननोमा आज हमारे बीच नहीं रहे। सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार कल रात 9:30 पर वर्धा थाने के पास इनकी गाड़ी पलटी मार गई, जिससे जयंती लाल जी घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें सागवाड़ा झील हॉस्पिटल लाया गया, जहां से स्थिति अच्छी नहीं होने पर उन्हें उदयपुर गीत आंजली हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां पर उन्होंने 3:30 पर अंतिम सांस ली। वहां से उनके शव को सागवाड़ा चिकित्सालय लाया गया व पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सांसद कनकम्मल कटारा ने डूंगरपुर के गौरव श्री जयंती लाल जी ननोमा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडो ने भी श्री जयंती लाल जी ननोमा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कई मेडल और कई अवार्ड से डूंगरपुर का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंती लाल जी ननोमा का जन्म डूंगरपुर से सटे बिलड़ी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता जीवाजी एक किसान हैं और मां गृहिणी हैं। जन्म से ही होनहार और खेलों के प्रेमी जयंती लाल ने स्कूली शिक्षा में सबसे पहले फुटबॉल में हाथ आजमाया जब वे 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन इसके बाद जयंती लाल की रुचि तीरंदाजी में जगी तो फिर बांस से बने धनुष और तीर से निशाना लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उनके अचूक निशाने ने हर किसी को चौंका दिया। स्कूली शिक्षा के दौरान ही जिला व राज्य स्तर पर मौका मिला तो सटीक निशाने से कई मेडल जीते। जयंती लाल ने अपने अचूक निशाने से देश विदेश की धरती पर भारत के लिए कई मेडल जीते, लेकिन सबसे यादगार क्षण वह था जब 2006 में उद्धारी के धनुष से वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद तो उन्होंने मेडल की झड़ी लगा दी। श्री जयंती लाल जी ननोमा ने 2009 में तीरंदाजी में 6 गोल्ड जीतकर वागड़ का नाम रोशन किया था। वहीं 2010 में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी जीते। जयंती लाल जी 2013, 2015 व 2018 में भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच रहे थे। उनके विशिष्ट खेल के लिए उन्हें प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एवं गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्होंने तीरंदाजी के इतिहास में वागड़ को हमेशा शीर्ष स्थान पर रखा। इनके निधन से वागड़ ने एक बड़ी हस्ती को खोया है। एकता समाचार अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज श्री जयंती लाल जी ननोमा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं ईश्वर से परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। आज गई रात को करीब 9:30 हमारे थाने के सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी आवाज सुनकर के हम वहां मौके पर पहुंचे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिनकी चोटें लगी थी, जिसको हमने प्राइवेट वाहन करके और इनको हॉस्पिटल सागवाड़ा लाए, जहां पर उनको भर्ती कराया। इस दौरान हमें पता चला कि भाई एक जो गंभीर रूप से घायल था उसको पहचान उसके साथी जयंती लाल के रूप में हुई, जो जिला खेल अधिकारी के पद पर तैनात थे डूंगरपुर में, और उनके साथ में एक कांतिलाल जी पीटीआई करके जो फलोज स्कूल में तैनात थे, इस रूप में हुई। इसके दौरान हमने उनके वारिसान को सूचना दी और वारिसान जो तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल और उनको गंभीर अवस्था में उदयपुर के लिए जील हॉस्पिटल से रेफर किया, जो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताएं जयंतीलाल जी आपके भाई थे, हाँ, क्या हुआ, आपको सूचना कब मिली? रात को 10 बजे हमारे को सूचना मिली जयंतीलाल जी का एक्सीडेंट हो गया है। वहां से हम प्राइवेट गाड़ी करके हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से जनरल हॉस्पिटल से फिर इनकी थोड़ी अवस्था गंभीर थी तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहां से भी स्थिति गंभीर लगी तो फिर यहाँ से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसके इलाज के दौरान इनको लगभग करीब 4:30 इनकी मृत्यु हुई। अपने वागड़ की एक विशेष
व्यक्ति जो एक खेल के मैदान को लेकर अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले गया, उसकी दुखद घटना के बारे में और दो शब्द कहना चाहेंगे। देखिए, हमें बहुत ही बड़ा दुख है कि हमारा एक होनहार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तीरंदाजी जयंती लाल बहुत ही हमारे इस बागड़ का गौरव और नाम कमाया है। देश से विदेश में उसकी ख्याति है और तीरंदाजी में कोच भी रहा और अभी जो डूंगरपुर के अंदर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए बहुत ही अच्छा बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे तीरंदाजी में। इसके ऐसा में एक निधन दुर्घटना में मौत होने से हमें बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही हम इसका खेद प्रकट करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने नाम कहा ऐसा उनकी प्रेरणा से और भी यहाँ के खिलाड़ी आगे बढ़े। लेकिन दुख है कि हमारा जो एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाला जयंती लाल तीरंदाजी में बात नहीं रहने से बहुत बड़ी ख्याति है इस बागड़ क्षेत्र की, बहुत ख्याति हुई थी, इतनी हानि हुई है, क्षति हुई है और इस क्षति को भरपाई करने के लिए हमें बहुत इसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं इस दिवंगत आत्मा को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।